डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश के पास ही एक गांव पड़ता है, वहाँ पर मैं रहना शुरू कर चुका हूँ। और यहाँ ये भूतिया गांव कहा जाता है। इन घरों को छोड़कर लोग जा चुके हैं और यहाँ पर एक खंडहर सा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक मूर्ति है जो दीवार पर तराश कर बनी हुई है, हनुमान जी की मूर्ति। और इस मूर्ति के हाथ में एक घंटी हुआ करती थी और अब इस घंटी का इस्तेमाल मैं करता हूँ। इस घंटी को हमेशा अपने पास ही रखता हूँ और लोग मुझे सीताराम के नाम से नहीं बल्कि पुजारी जी के नाम से जानते हैं। कोई समय हुआ करता था जब मैं धर्म पर विश्वास तक ना करता था, ना मैंने कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा था और ना ही मुझे भगवान पर यकीन था। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बदली और शायद मेरे हाथ में जब से यह घंटी आई है मुझे लोगों की मदद करने का एहसास हो गया है। नशे किया करता था मैं और वो अब मैं छोड़ चुका हूँ। इस भूतिया गांव में रहता हूँ, इस मंदिर की सेवा करता हूँ और एक एक पत्थर को जोड़कर दोबारा इस खंडहर मंदिर को बढ़िया भव्य मंदिर बनाने में लगा हुआ हूँ। और मेरे पैसे कमाने का जरिया है लोगों की मदद करना, क्योंकि मुझे ये जब से घंटी मिली है मैं जान गया हूँ मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, लोगों की मुसीबतों को दूर करना। और मैं अब एक हनुमान जी का भक्त हूँ जिसके हाथ में ये घंटी रहती है और मैं भूतों को भगाता हूँ लोगों के घरों से, लोगों के जीवन से। और पहले भी इस घंटी के सहारे एक पिशाच से लड़ा था और उसके बाद इस मंदिर के नीचे बेसमेंट भी है इसका पता लगाया था मैंने। और तब से एक तलवार मेरे साथ रहती है, प्राचीन तलवार जो मुझसे बात करती है। ये तलवार पंख से भी हल्की है सिर्फ मेरे लिए। शायद मैं इसे पहली बार उठा पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत हल्की हो चुकी है। मुझसे बात करती है, मुझे बताती है आगे क्या करना है और मैं लोगों के जीवन से मुसीबतों को ख़त्म करता आ रहा हूँ। मैं कहलाया जाता हूँ भूतिया गांव का पुजारी जी। इसी तरह मेरे पास कई लोग आने लगे थे, कई रहस्य धीरे धीरे मैं जानने लगा था। किसने इस मंदिर को बनवाया था, किसने इस घंटी को यहाँ पर रखा था, इसकी बेसमेंट किसने बनवाई होगी और कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। ढेर सारी किताबें पड़ी हैं। इसी के साथ जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ तलवार को रख देता हूँ। आखिर एक हथियार को आप हर समय अपने पास नहीं रख सकते और इतनी शक्तिशाली तलवार किसी और के हाथ ना लग जाए, इसीलिए इस बेसमेंट में मैं इस तलवार को छिपा कर रखता हूँ। और मैं जान पाया हूँ कोई है अजनबी जो श्री राम का तो भक्त है, हनुमान जी को बिल्कुल नहीं मानता। कोई ऐसा जिसने यहाँ पर इस घंटी को रखा था, शायद किसी के लिए, मैं तो नहीं वो। अब यहाँ लोगों की थोड़ी थोड़ी भीड़ लगने लगी है। लोग सुबह 6 बजे ही यहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे ही सूरज चढ़ता है यहाँ पर आ जाते हैं मुझसे मदद मांगने के लिए और शाम को 6 बजे से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। लोगों को इस गांव में भूत प्रेत नज़र आते हैं और मैं एक एक करके उन भूतों का निवारण भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं बचता। लोगों की मुसीबतों को दूर करते करते समय कब निकल जाता है मैं जान नहीं पाता। और लोगों से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं जब उनकी मदद करता हूँ। इसी तरह एक आदमी जब सूट बूट पहने इस मंदिर में आया था तो वो जूते पहने हुए था और मंदिर की सीढ़ी चढ़ा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कुछ अनर्थ सा हुआ है। मैं भागकर मंदिर के बाहर गया और वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था, मैंने उसे पहले ही रोक दिया। जूते पहनकर मंदिर में नहीं आया जाता, पागल तो नहीं तुम, तभी मैं कहूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। वो जिस कदमों से आगे बढ़ा था वही कदम पीछे की तरफ हटाता गया और कानों पर हाथ रख कर कहने लगा, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई, शायद मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसी गलतियाँ करने लगा हूँ मैं। समझ गया था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है,
शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। मैंने उसे माफ कर दिया। उसके बाद उसके जूते उतरवाए और उसे कहा, अब आप मंदिर में आ सकते हैं। मंदिर के कपाट के पास ही उसे मैंने जमीन पर बिठा लिया था और मैं भी जमीन पर बैठ गया था। बताइए क्या परेशानी है आपको? तब वो बताने लगा कि वो दिल्ली का रहने वाला है और वहां पर बहुत सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए वो घूमने के लिए उत्तर प्रदेश आया था। उत्तर प्रदेश के दो मीनारी किले में जब वो गया था, तब उसे कोई डरावना सा एहसास हुआ था। वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है, ये पुरानी ईंटों का दरवाजा है जिसे काला दरवाजा कहा जाता है। मैंने भी उस दरवाजे के बारे में सुन रखा था, लेकिन उस आदमी ने बताया कि उसके बाद उनका जो बेटा था जिसकी उम्र 18 साल थी, वो अजीब सी हरकत करने लगा था, लेकिन वहाँ से भागते भागते वो जंगल की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो यहाँ पर 2-3 दिन रहने वाले थे। इस किले के पास ही उन्होंने होटल बुक किया था जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। उनका बेटा जंगलों में पिकनिक मनाने की जिद कर रहा था रात को, और वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था। इसके बाद उसके दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन उस आदमी का बेटा वापस नहीं आया, और उनके दोस्तों से जब पूछा गया तो उनका कहना था वो वहाँ किसी पेड़ के आसपास किसी अजीब सी चीज़ से बात कर रहा था। कोई लकड़ी थी जिसे उठाकर वो उससे बातें किए जा रहा। इसके बाद जब वो इस किले में वापस आ गया तो और भी अजीब हरकतें करने लगा। अब भी वो दो मीनारी किले में है और माना जा रहा है उस पर भूत प्रेत का साया है। कई मज़ार के बाबाओं को बुलाया गया, कई तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन उसके ऊपर से वो भूत प्रेत का साया दूर नहीं किया जा सका। वो आदमी अपनी सारी परेशानियां मुझे बताता जा रहा था और मैं समझ गया ये कोई ऐसा भूत प्रेत है जो साधारण नहीं है और इन लोगों से भगाया नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और शायद मुझे वो तलवार भी अपने साथ ले जानी चाहिए। मैं पूरी जानकारी पा चुका था, दो मीनारी किला कहां पर मौजूद है, वो सारी डिटेल निकाल कर मैंने उस आदमी से कह दिया। अगली सुबह मैं सीधा वहां पर पहुंच जाऊंगा। और उसने भी हाथ जोड़े और कहा, आप मदद कर दीजिए, जो चाहेंगे मैं वो करूंगा। और मैंने भी उनके हाथ पकड़ कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मदद करूंगा, इतना ही बहुत है, शायद यही मेरी ज़िंदगी का अगला मकसद है। और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं किसी की मदद कर ना पाऊँ तो ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ और मदद कर अच्छी सी नींद लूँ, लेकिन काम से पहले नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात निकाली थी और अगले दिन सुबह वो घंटी, वो धागा और वो तलवार लेकर मैं दो मीनारी किले की तरफ बढ़ चला। जब मैं उस किले के पास पहुँचा था, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट थे। मैं उस आदमी को पहचान नहीं पा रहा था जो कल मंदिर में आया था। इसके बाद मैं उस किले में घूमना शुरू हो गया। इतना बड़ा किला जिसमें कई कमरे बने हुए थे, कई बेसमेंट थी, घूमने वाले कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, जबकि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने अपना फ़ोन नंबर तक ना बताया था मुझे। कैसे ढूँढूँ उसे? उसे तो मदद चाहिए, उसे मुझको ढूँढना चाहिए, और उल्टा मैं उसे ढूँढ रहा हूँ। इस तरह घूमते घूमते मैं उस किले की पिछली साइड पहुंचा था। वहां पर वो आदमी खड़ा रो रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, भागता हुआ मेरे करीब आ गया। मुझे देखते ही मेरे पांव पड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, वो मेरे पांव पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। आप मेरे पांव मत पड़िए, आपकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। और वो खड़ा होकर कहने लगा, आपको इसकी बेसमेंट में जाना होगा, ये किला काफ़ी पुराना है और इसमें कई कमरे हैं, हर कमरे में टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता। नीचे वाले जितने कमरे हैं उन्हें रहस्यमय कमरे कहा जाता है, और वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे हों वही यहाँ तक जा सकते हैं। मैंने भी महंगी फीस दी थी तब जाकर अपने बेटे को वो कमरा दिखाने के लिए लेकर गया था, और बस जैसे वो वहाँ का कैदी बन गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा था। बेसमेंट की वो सीढ़ियाँ उतरने से हर कोई डर रहा था। वो आदमी भी कह रहा था कि वो नीचे नहीं जाना चाहता, नीचे अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत उस पूरे कमरे में भरे पड़े हों।
मेरी हिम्मत अब उस घंटी और तलवार के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन बाकी सब डर रहे थे। कई मज़ार के बाबा और तांत्रिक आकर यहाँ से भाग चुके थे। मुझे वो कहानियाँ बताई गई थी कैसे कैसे वो भागे, इसीलिए मन मेरा भी विचलित हो रहा था। जैसे ही मैं बेसमेंट में पहुँचा, ये पुरानी पत्थरों से बनी हुई दीवारों का कमरा था, जहाँ पीछे एक दरवाज़ा और उस दरवाजे को काले रंग की ईंटों से बंद किया हुआ और उसके आगे एक गोल आकार का पत्थर जिस पर बैठा हुआ वो लड़का, साफ पता चल रहा था ये वही लड़का है, राजन। इसका नाम राजन बताया गया था और दूर से ही मैंने आवाज़ लगाई, राजन क्या तुम हो यहाँ, तुम्हारे साथ कोई और भी है? वो लड़का बिल्कुल नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर वो कोई योगासन कर रहा हो, मेडिटेशन कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लाइट पीछे से पड़ रही थी तो उसका चेहरा पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे मैं उसके करीब गया। वहाँ पहुँचते ही मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरी तलवार थोड़ी थोड़ी हिल रही थी और मैंने अपनी तलवार से सवाल भी पूछा था, क्या हुआ, कोई एहसास हो रहा है? मुझे तो अब तक कोई एहसास नहीं हुआ, कोई भी शैतानी शक्ति का एहसास मुझे क्यों नहीं हो रहा? मैं चलता चलता उसके करीब जा रहा था। जैसे जैसे मैं करीब गया, एक आवाज़ थी जो उस कमरे में गूंज रही थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गुर्रा रहा हो। ये आवाज़ शायद राजन से आ रही थी। मैं उसके काफ़ी करीब पहुंचा, तब मेरी नज़र उसकी आंखों की तरफ पड़ी। उसकी आधी आंखें खुली थी और आधी आंखें बंद। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ा रखी हो। उसने अपना सर भी ऊपर की तरफ किया हुआ था और उसकी ज़बान मुंह से थोड़ी थोड़ी बाहर आई हुई थी। वो गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूत के वश में हो। वहाँ खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जल्द से जल्द उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालने वाला था, मुझे महसूस हुआ कोई ना कोई जैसे मेरे करीब हो। मेरे कान के पीछे से सांस लेने की आवाज़ आई थी और मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगा, मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे कान के पास से वो सांस लेने की आवाज़ आती रही। वो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, मेरे सर के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई चीज़ हो जो मुझसे जुड़ चुकी है और बस मैं जिस तरफ नज़रें घुमाऊँ हमेशा मेरे पीछे ही रहेगी। अब मैं जानता था यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति तो मौजूद है। मैं भूतों का सामना कर चुका था, साए का सामना कर चुका था और एक शक्तिशाली पिशाच का सामना कर चुका था, और इनमें से कोई भी हो सकता है। ये ऐसी हरकतें वही तो करते हैं। तब मैं हाथ को जेब में डालकर जल्दी से घंटी निकालना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही जेब में हाथ डालता, मेरी जेब सिल चुकी थी। कमाल हो गया, मेरी पैंट में जेब थी और एक जेब में मैंने वो घंटी रखी हुई थी। मैंने हाथ बीच में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो जेब सिल चुकी थी। हर कोशिश करने के बाद भी मैं हाथ अपनी जेब में डाल नहीं पा रहा था, तो घंटी को कैसे बाहर निकालता? कैसे हो गया ये? मैंने नई तो पैंट पहनी थी, अपने हाथ से तो घंटी डाली थी। फिर मैं जेब को खींच कर फाड़ना चाहता था ताकि घंटी को बाहर तो निकाल पाऊं, और वो शक्ति कान के पास बोलने लगी, चले जाओ यहां से, अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहां से। ये सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ये कोई ना कोई काली शक्ति है जिसने इस बच्चे को अपनी कब्जे में कर रखा है। तभी मैं अपनी पैंट को फाड़ना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों को किसी ने पकड़ रखा हो और वो हाथ मुझे नजर आ रहे थे जिन्होंने मेरी कलाइयां पकड़ रखी थी। कोई तो था जो मेरे पीछे था, सिर्फ उसकी कलाइयां देख पाया मैं। जल्दी से हाथों को झटका मैंने और उसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे कोई नहीं था। मैं जिस दिशा में जाता वो हमेशा पीछे रहता, उसे मैं सामने नहीं ला सकता था, तो मैंने भी वहां उसे धमकी दी, मेरे सामने आ जाओ, अगर पीछे ही रहे तो मैं तुम्हें डरपोक मानूंगा। ये डरपोकों वाली हरकतें हैं जो तुम पीछे रह रहे हो, हिम्मत है तो आगे आओ। तभी उसने कान में कहा था, मैं हमेशा पीछे रहता हूं,
कभी भी सामने नहीं आता। और तुम्हारी क्या औकात है मुझे सामने लेकर आओ, अभी तुम्हारे चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। मुझे मेरी पसलियां घुटती हुई महसूस होने लगी, सांस नहीं ले पा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे फेफड़ों को बड़े जोर से दबा रखा हो, वो फूल नहीं पा रहे थे। मैं सांस छोड़ता लेकिन उसके बाद जब सांस खींचने की कोशिश करता वो फेफड़े और ज़्यादा अंदर की तरफ दब जाते। बस जो सांस थी मैं छोड़ ही सकता था, खींच नहीं सकता था। दम घुटने लगा था और मुझे लगा मुझे बाहर निकलना होगा। ना तो मैं घंटी को निकाल पा रहा हूँ, ना मैं शब्दों को बोल पाऊँगा, मंत्रों को बोल पाऊँगा। मेरे सांस को ही रोक दिया गया है। भाग कर मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा था और मैं उस बेसमेंट से बाहर आ गया था। धूप पड़ते ही जैसे मेरी सांस निकलने लगी थी। बाहर ज़मीन पर गिरकर मैं सांस लेता गया। मैंने अच्छे से सांस ली और फिर मैं खड़ा हो गया। वो सूट पहने आदमी मेरी तरफ देखकर कह रहा था, काम हो गया, काम हो गया क्या, राजन बच गया? मैं निराशा भरी नज़रों से नीचे की तरफ देखता हुआ कहने लगा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। ये तो मेरी घंटी को बाहर निकालने नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही अपनी जेब की तरफ देखने लगा, मेरी जेब सिली हुई नहीं थी, मेरी जेब तो बिल्कुल सही थी। आसानी से जेब में हाथ डाला मैंने और घंटी को बाहर निकाल लिया। इसके बाद मुझे गुस्सा आ रहा था खुद पर भी, गुस्सा आ रहा था उस चीज़ पर भी। आखिर क्या है वो? अब मैं तैयार था उससे लड़ने के लिए। जैसे ही मैं बेसमेंट में गया, मैंने हाथ में घंटी पकड़ रखी थी और मैं उस घंटी को बजाना शुरू हो गया। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो गुर्राने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। ये घंटी की आवाज़ें पूरी की पूरी बेसमेंट में गूंजे जा रही थी। घंटी को बजाते बजाते मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा था और मैंने गरजती हुई आवाज़ में कहा था, आजा अब कर मुकाबला। पहले मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था, अब समझूंगा भी और मिटाऊंगा भी। इस लड़के को तो मैं बचा कर लेकर ही जाऊँगा। इसके बाद मैं घंटी बजाता गया और वो आवाज़ नहीं निकली। अचानक मेरी कलाई किसी ने पकड़ी थी, मैं घंटी बजा नहीं पा रहा था, जैसे मेरी कलाई जकड़ ली गई हो। पीछे से हाथ निकला था मेरे, जैसे मेरी पीठ से ही हाथ निकल आया हो। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ उसे, कौन है वो। लेकिन उसके बाद मैंने बड़ा जोर लगाया और घंटी बजाने की कोशिश की और कान में मेरी आवाज़ आई, बंद कर इसे, बंद कर इसे, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मैं भी उसे गुस्से में कहने लगा, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, इसे बचाने के लिए आया हूँ मैं। तभी उसने जवाब दिया था, सीताराम जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, लोगों की मदद करना तुम्हारा काम है लेकिन इस लड़के की मदद नहीं कर सकते तुम, चले जाओ वरना यहीं मौत के घाट उतार दिए जाओगे, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं गुस्से में आ गया था और उसके बाद एक ही तरीका था उसे शांत करवाने का, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा से जैसे मेरे कान में 2-3 चीखों की आवाज़ आई और वो मेरी पीठ से गायब हो चुका था। तभी मुझे वो लड़का दिखा था, उसने अपनी आंखें और ऊपर की तरफ चढ़ा ली और उसकी कमर के पीछे से 2 हाथ निकले थे, जैसे कोई था जो उसके पीछे था। लेकिन मैं जैसे ही उसे देखने के लिए राजन के पीछे पहुंचा, वो हाथ घूम चुके थे। वो हर बार किसी के पीछे छिप जाता, वो नज़र नहीं आना चाहता था, इसीलिए बस उसके हाथ ही देख पाया था मैं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता गया और वो गुर्राने की आवाज़ भी बंद थी, घंटी भी बजाता गया मैं और अब कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। वो घंटी की आवाज़ और हनुमान चालीसा से छिप ज़रूर रहा था, डर ज़रूर रहा था, दर्द महसूस ज़रूर कर रहा था, लेकिन उस लड़के को छोड़ने वाला नहीं था। और जैसे ही मैंने उस लड़के के माथे पर हाथ रखा, मैं जानता था अब हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वो मुझसे जुड़ा हुआ होगा और मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से जो भी प्रेत है वो भाग जाएगा। मैंने जैसे ही राजन के माथे पर हाथ रखा, मेरे होंठ जुड़ चुके थे, मेरे होंठ से कोई शब्द निकल नहीं पा रहा था और मैं हैरान, कैसी शक्ति है ये जो इतना ज़्यादा असर कर रही है।
मैं घंटी को बजाता गया लेकिन मेरे होंठ नहीं खुले। जैसे ही मैंने राजन के माथे से हाथ हटाया मैं हनुमान चालीसा पढ़ पा रहा था। राजन के माथे पर मैं हाथ रखता और मेरे होंठ सिल जाते। मैं घबराता घबराता दो कदम पीछे हटा था। उसके बाद मैंने पीछे से वो तलवार निकाली थी। मैं जानता था अब तलवार से ही वो काम हो पाएगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था क्या मैं उसे मार पाऊंगा, क्योंकि वो सामने तो आ ही नहीं रहा। मैंने वो तलवार निकाल कर हाथ में रख ली थी। अब मैं उस तलवार से इस शक्ति को रोकना चाहता था, लेकिन जब आपके सामने विरोधी खड़ा हो तब आप उससे लड़ सकते हैं, छिपने वाले विरोधी से कैसे लड़ें? मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये शक्ति क्या चीज है। इसीलिए मैं उस तलवार को चलाना तो चाहता था लेकिन अपने हाथों को रोकना पड़ रहा था। वो उस लड़के के पीछे छिपा हुआ था, बस हाथ नजर आ रहे थे, आंखें तक निकाल कर ना देख रहा था वो। इसके बाद बहुत कोशिश की मैंने, वो तलवार उसके हाथ पर मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कहीं राजन को वो तलवार ना छू जाए। उसके साथ क्या होगा मैं नहीं जानता, इसीलिए तलवार को मुझे पीछे टांगना पड़ा और उसके बाद मैं मजबूर सा हो गया था। मुझे पूरी कहानी पता करनी होगी तब जाकर मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। क्या चीज़ है ये, मुझे पहले ये जानना होगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगा था तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई थी, चला जा सीताराम, तू इस लड़के की मदद नहीं कर सकता, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, चला जा मंदिर में घंटी बजा जाके जा। उसने ये कहा था और मैं शर्मिंदा होकर उस बेसमेंट से बाहर आ गया था नजरें झुकाए हुए। तभी मेरे सामने वो आदमी आया और वो मुझसे पूछने लगा, क्या क्या राजन आजाद हो गया उस प्रेतात्मा से? मैंने कहा, नहीं, मुझे ये तक नहीं पता ये क्या चीज है जिसका मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, आखिर इसने राजन को अपने कब्जे में कैसे लिया? तो वो आदमी कहने लगा, इसी जगह आया था वो, इसी जगह। उसके बाद उसे अजीब सी चीज़, अजीब सा एहसास होने लगा था, अजीब अजीब आवाज़ें से सुनाई देने लगी थी और उसने खुद जिद की थी उस जंगल में जाने की, उसके दोस्तों को पता है बाकी सब कुछ। मैं अब जानता था मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। मैं इस बेसमेंट में जा चुका हूँ, उस लड़के को देख चुका हूँ, पीछे वाले दरवाजे तक तो उसने जाने तक नहीं दिया, लेकिन पहले उस जंगल का राज भी सुलझाना होगा। ये पिकनिक मनाने के लिए जंगल में क्यों गया था? दो दोस्त वापस आ गए थे तो ये अकेला कहाँ पर रह गया था? सिर्फ इसके दोस्त बता सकते हैं। मैंने उस आदमी को कहा, उसके दोस्त कहाँ हैं? तो उस आदमी ने कहा, वो यहाँ से डरकर भाग चुके हैं, वो शहर चले गए हैं। तो मैंने कहा, उन्हें बुलवाओ, उन्हें आपको यहाँ लाना ही होगा, और इसके बाद दोपहर के 3 बजे वो इस जगह पहुँच गए थे। और जैसे ही वो मेरे सामने आए वो थर थर कांप रहे थे। मेरा नाम काफ़ी दूर दूर तक मशहूर हो गया था। वो मेरे सामने बैठे और ये एक बरगद का पेड़ था, चारों तरफ जड़ें फैली हुई थी और यहाँ धूप भी काफ़ी थी और बादल दूर से आ रहे थे और वो बादलों के कारण हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो मौसमों का संगम हो रहा हो। एक तरफ घना अंधेरा, वो घने बादल बड़े चले आ रहे थे, दूसरी तरफ से निकली हुई धूप साफ आकाश का संदेश दे रही थी और बीच में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मैं उनसे सवाल कर रहा था, बताओ शुरुआत कहाँ से हुई है, बताओ। मैं राजन के दोस्तों से सवाल करना शुरू हो चुका था। मैं उनसे पूछता गया, आखिर उस जंगल में क्या क्या हुआ? पहले तो वो घबराते रहे, वो बताना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक एक करके शुरुआत कर दी कि वो जब जंगल में गए थे वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन पानी के किनारे वहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़ बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बहुत लंबी कतार में लगे हुए थे। वहाँ राजन चाहता था कि आगे तक घूम कर आए, लेकिन उसके दोस्त मना करते जा रहे थे। तभी वहाँ उन्हें परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई, भूत प्रेत दिखने शुरू हो गए। वो भूतों से बचते हुए आगे की तरफ भागने लगे। उन्हें कभी तो डर लग रहा था यहाँ कोई जानवर उनको शिकार ना बना ले, और कभी कभी ऐसे भूतों से भी उन्हें डर लग रहा था।
पीपल के पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि आगे बरगद के पेड़ों ने जो जाल सा बिछा रखा था उनके बीच से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पेड़ जैसे खास तौर पर लगाए गए हों। वहाँ एक पेड़ के पास आसपास से मुर्दे ज़मीन फाड़ कर निकलना शुरू हो गए थे और वहाँ पर लगा था जैसे वो हमें मार देंगे। ये बात राजन के पापा को नहीं बतानी थी, इसीलिए हमने अंदर छिपा कर रखी। राजन ने हमसे वादा लिया था। मैंने पूछा, इसके बाद क्या क्या हुआ मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, वहाँ पर एक जिन नज़र आया था। ये कह रहा था कि ये जिन है, ये जिन है। राजन ये कहता रहा और उसके दोस्त भाग निकले थे। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन वो वहीं पर रहा था और कुछ समय बाद वापस आ गया था और जल्दी से किले पर जाने की जिद किए जा रहा था। जैसे ही किले में पहुंचा, वहां पर वो इस तरह से बैठ गया और जैसे भूत प्रेत के साए में फंस गया हो। वहां जो भूत नजर आ रहे थे उन्होंने कब्जा किया है राजन के शरीर पर। मैं जानता था मुझे कहां पर जाना है और उसके दोस्त उन जंगलों में जाने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने जिद की तो उन्हें मानना ही पड़ा। और राजन के पिता ने भी आंखें दिखाई थी कि मदद तो करनी ही होगी। वो मेरे साथ चल पड़े थे। हम उस घने जंगल में उस तालाब को ढूंढते हुए, उन पीपल के पेड़ों को ढूंढते हुए, और रात के 12 बजे वो पीपल के पेड़ नजर आ गए। लेकिन राजन के दोस्त थर थर कांप रहे और उन्हीं के साथ राजन के पिता भी डर रहे। मैंने उन्हें दूर रहने को कह दिया और कहा, मैं यहाँ इन पीपल के पेड़ के बीच जाकर आऊँगा, मैं देखूँगा आगे मुझे क्या क्या नज़र आता है। सच में वो पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा घने थे। जैसे जैसे मैं उन पीपल के पेड़ों के बीच से निकलता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे खास तौर पर ये जगह को बनाया गया हो, कोई भी आसानी से अंदर ना घुस पाए। पीपल के पेड़ों को इस तरह घना लगाया गया था कतार में। इसी के साथ बीच बीच में लगाए गए वो बरगद के पेड़ जिनकी जड़ें आसमान की तरफ निकली हुई थी। ऐसी जड़ें इनकी टहनियों पर लगी हुई होती हैं जो जाल की तरह नीचे बिछ जाती हैं, रास्ता बंद सी कर देती हैं, और कई जगह ये रास्ते भूल भुलैया की तरह नजर आ रहे थे। मैं उन रास्तों के बीच से गुजरता हुआ आगे पहुंचा और उन बरगद के पेड़ों के पास सच में एहसास सा हो रहा था जैसे आसपास कोई है। कदमों की वो आवाज़, मुझे लगा जैसे राजन के दोस्त और राजन के पिता होंगे वहाँ पर। लेकिन मैंने आवाज़ लगाई, आप मेरे पीछे आ रहे हैं, बताइए। किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था वो ही होंगे, लेकिन जवाब आया नहीं। मैं समझ गया वो तो डरपोक हैं, इस तरह पीछा नहीं कर सकते, कुछ और है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अब नज़रें आगे की तरफ कर ली, हाथ जेब में डाल लिया। मैं यहाँ किसी को भी डरा सकता था। मेरे हाथ में वो घंटी थी लेकिन जेब में डाल रखी थी मैंने। धीरे धीरे वो एहसास बढ़ते गए। चीखों की आवाज़ें जो पेड़ों के अंदर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था इन पेड़ों ने इंसानों को अपने अंदर दफना रखा हो, जो चीखने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। अचानक उस रास्ते पर ज़मीन से निकलने वाले वो हाथ मुझे डराना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरे शरीर से वो दूर थे, इसीलिए मैंने वो घंटी को जेब से नहीं निकाला। अपने तरकश का वो तीर आपको तब निकालना चाहिए जब सामने वाले को उम्मीद ना हो, इसीलिए मैं साधारण इंसान बनता हुआ डरता हुआ आगे बढ़ रहा था, किसी को एहसास ना हो। मैं धीरे धीरे निकलता गया और ज़मीन फाड़ फाड़ कर जैसे वो मुर्दे बाहर निकलते और अचानक गायब से हो जाते। ऐसा लग रहा था मुझे वो भ्रम दिखाया जा रहा हो, वो असली नहीं थे, वो जैसे झूठी कल्पना सी थी। कोई ऐसी शक्ति है यहाँ पर जो कल्पना दिखाती है अपने मस्तिष्क की और मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैं अभी नया हूँ, इन किताबों में वो जानकारी अच्छी तरह से जान नहीं पाया। अब मुकाबला करने का मौका आया था कुछ नई सी चीज़ से, तो मैं उन मुर्दों को देखते हुए बार बार डरने का वो नाटक सा करता और पीछे पेड़ के पास सिमट कर बैठ जाता। वहाँ वैसे कई मुर्दे नजर आए थे। उसके बाद एक पेड़ जो कि पीपल का था, उसके चमकदार पत्ते और कई भूरे रंग के पत्ते जिन पर जैसे सुनहरी रंग का बुरादा सा पड़ा हुआ हो, वो बुरादा हवा के कारण उड़ता और आकाश में जैसे सोना उड़ रहा हो ऐसा एहसास दे रहा था। उस पीपल के पेड़ से निकलकर एक भयानक सा चेहरा आगे की तरफ आया था।
उसे देखकर मैं डर सा गया था, सच में डर गया था। तभी वो मेरे सामने आकर कहने लगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं एक जिन्न हूँ। उसे देखकर डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी। मैं घबराता हुआ ही उससे कहने लगा, तो तुम जिन्न हो, यहाँ जो मुझे मुर्दे नजर आ रहे हैं क्या तुम सामने ला रहे हो? तभी उसने कहा, मैं क्यों सामने लाऊंगा, मैंने कोई मुर्दों की मंडी खोल रखी है, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। यहाँ शक्तिशाली जगह पर अगर कोई इंसान आ जाए तो उसे मारने के लिए ऐसे मुर्दे निकलते हैं। मैं जिन्न हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो उसका इरादा जानना चाहता था। कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो सोच कर मांगना, आपके लिए भी एक सबक दे रहा हूँ। किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो सोच के मांगना, भले ही एक रुपया भी मांगना हो तो सोच कर मांगना, आपको उससे कई गुना ज़्यादा देना पड़ सकता है। इसीलिए मैं सोच कर मांगना चाहता था। मैं बातों को घुमाना शुरू हो गया। मैं मांग तो लूँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ तुम जिन्न हो? अगर तुमने वो भूत मेरे पीछे छोड़े हों और वो भूत आकर मुझे पकड़ ले, मार दे, मैं तो मांगता रह जाऊँगा, भिखारी बनाकर मारना चाहते हो? वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया था। मांगना चाहते भी हो या नहीं, मैं जाने वाला हूँ, अगर नहीं मांगना चाहते मैं चला जाता हूँ, एक जिन्न की मुराद भी पूरी नहीं करते। तुम मांगो ताकि मुझे भी आज़ादी मिले, खुशी मिले। जब एक जिन्न आपकी ख्वाहिश पूरी करता है तो वो आज़ाद हो जाता है, मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ, मांगो क्या मांगते हो? मैं अब उसके इरादे को समझने के लिए उससे और सवाल कर रहा था। ठीक है, मैं मांगने की तैयारी करता हूँ, लेकिन मुझे डर है तुम भी कुछ ज़रूर मांगोगे। तब उसने हकलाते हुए आवाज़ में कहा था, नहीं, देखो छोटी मोटी चीज़ ही मांगूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगूंगा। तब मैंने कहा, ये आई ना बात, मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें भी कुछ मांगना है। अब मैंने तो सुना है जो जिन्न होते हैं वो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं, तुम जिन्न ही हो ना, तुम्हारी पूंछ तो नज़र नहीं आ रही। तब वो गुस्से में कहने लगा था, सर तो नज़र आ रहा है ना, मेरे हाथ तो नज़र आ रहे हैं ना, अब पूरा शरीर मैं बाहर नहीं निकाल सकता, जिन्न हूँ ना, शर्म आती है मुझे। मैं जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा, अरे शर्म आती है, कैसे जिन्न हो, बड़े शर्मिंदे से जिन्न हो, मैं नहीं मांगने वाला तुमसे, तुम तो खुद भिखारी लगते हो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, जिन्न को भिखारी मत कहो, जिन्न मन मांगी मुराद को पूरी करते हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो? मैंने कहा, ठीक है तो ऐसा करो, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, ऐसा करो यहाँ एक टन सोना लेके आओ, फिर मानू कि तुम जिन्न हो या नहीं। ये सिर्फ मुझे चेक करने के लिए मंगा रहा हूँ कि तुम जिन्न हो या नहीं, जो मुराद मांगूंगा वो तो अलग से मांगूंगा। वो गुस्से में आकर कहने लगा था, तुम्हारे पीछे प्रेत पड़े हैं, भूत पड़े हैं, मार देंगे तुझको, और तू सोना मांग रहा है? मांग समझ कर मांग, सोच समझ कर मांग, भूतों से निपटारा मांग ले, मैं उन भूतों को दूर कर दूंगा, वरना वो तुझे मार देंगे। सोना चांदी ये मत मांग, अपनी जिंदगी मांग, ये सबसे अच्छा है। तो मैं उसका इरादा समझ गया था। मैंने अब उससे कहा, चालाक मत बनो, अब भूत मारते हैं तो मारो, मुझे तो जो चीज़ चाहिए वो दो, मुझे इतना ढेर सारा सोना दो, मैं चेक करूंगा असली है या नहीं, फिर मानू तुम जिन्न हो, और भूतों से मैं खुद ही बच लूंगा। अब उसका चेहरा उड़ सा गया था, वो सोचने को मजबूर सा हो गया था, और मैं जानता था ये जिन है ही नहीं, ये मुंह मांगी मुराद देगा ही नहीं, इसने मुझे भूत प्रेत का वो भ्रम दिखाया फंसाने के लिए। अब आपके सामने मौत आ जाए और कोई ये कहे मांगो क्या मांगना चाहते हो, आप क्या मांगोगे, आप यही मांगोगे ना, मुझे बचा लो, तो ये ऐसे ही लोगों को फंसाता है क्या चीज़ पहले ये तो जानूं। वो समझ गया था कि मैं चालाक हूँ, तो वो मुझे डराकर भगाने की कोशिश करने लगा। वो भयानक भयानक चेहरे बनाकर मुझे डरा रहा था, और जेब से निकली वो घंटी जब बजना शुरू हो गई, वो चिल्लाना शुरू हो गया, और वहाँ से वैसी चिल्लाने की आवाज़ें और भी, शायद यहाँ पर उसके जैसे और भी कई थे, अलग अलग पीपल के पेड़ों पर, और मुझे तो इसे पकड़ना था। वो जल्दी से पीपल के पेड़ के एक कोने में
पहुंच गया और उसके हाथ बाहर की तरफ आ गए। मैं जान गया था ऐसे हाथ तो उसके हैं जिसने राजन को पकड़ रखा है, उसको जकड़ रखा है। ये हाथों को देखकर मैं घंटी बजाता गया और एक तलवार मैंने उस हाथ के आर पार कर दी। ये तलवार कितनी शक्तिशाली थी, पीपल के पेड़ के बीच घुसा डाली थी मैंने और उसका हाथ भी बीच ही फंस गया। ना तो वो निकाल पा रहा, ना कुछ कर पा रहा। अब मैं देख सकता था उसके पीछे कौन है, उसका पूरा शरीर। और उस हाथ को इस तरह से फंसाया था कि मैं पीछे घूमा और वो चीख रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम शक्तिशाली लगते हो, कैसी तलवार है ये, घाव तक भर नहीं सकता मैं, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है, मुझे माफ कर दो। मैंने तब उसकी वो बाजू पकड़ी और वो तलवार अभी उसके हाथ में थी। उसका हाथ मैंने इसी तरह से घुमाया और वो तलवार उसकी गर्दन के करीब, और मैंने उसे धमकी दी, तुम सच बताना वरना ये तलवार गर्दन के भी आर पार एक झटके में कर दूंगा, जिंदा नहीं बच पाओगे। वो मुझसे गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा था और मेरे सबसे पहले सवाल के जवाब में ही मैं जान गया था ये हैं क्या। मैंने पूछा, कौन हो तुम और वो जिसने राजन को पकड़ रखा है वो कौन है? उसने जवाब दिया, ये वेतालों की वादी है, हम वेताल हर एक पीपल के पेड़ पर हैं, हम अच्छे वेताल हैं जो वन की रक्षा करते हैं, लेकिन आज़ादी के लिए हमें भी कोई इंसान चाहिए जो खुद की मर्जी से हमें शरीर दे दे। जो शरीर देगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन हम शरीर का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को हमारे जैसे वेताल ने पकड़ रखा है, अब भी उसे छोड़ नहीं रहा, कोई बुरा वेताल है जिसने मासूम को जकड़ा हुआ है, मैं भी तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करता यहाँ से बाहर निकलने के लिए, कोई अच्छी जगह पहुँचता और वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताता, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे शरीर को जकड़ कर नहीं रखता, शायद कोई और है जिसने मजबूर बच्चे को पकड़ रखा है। अब मैंने वो तलवार थोड़ी सी गर्दन के करीब लाई थी और गर्दन में थोड़ी घुसी भी थी, हल्का सा कट लगा था और वो चीख रहा था। और अब मैंने काम का सवाल पूछा था, एक वेताल को काबू कैसे करूं मैं? तब उसने कहा था, वेताल को काबू कैसे करना है? वेताल को काबू करने के लिए जैसे मुझे मार रहे हो वैसे ही उसे मारो, आसानी से मार सकते हो। अगर फिर भी वो वेताल काबू ना आए तो समझ लेना, उसे सिर्फ पीपल के पत्तों से काबू कर सकते हो। पीपल के पेड़ पर एक वेताल को बांधा जाता है और वो वेताल आज़ाद हो जाए तो जो भी पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता उसके साथ छुएगा वो उसके साथ कैद हो जाएगा और वो पीपल के पत्तों से वो जुड़ा होगा। तुम्हें बस उस पीपल के पत्तों को एक और पीपल के पेड़ पर छोड़ देना है और वहाँ वो आकार में आ जाएगा, फिर आसानी से बदला ले पाओगे। सारे राज जान गया था मैं और अब उस वेताल का अंत करने के लिए इसे जिंदा छोड़ दिया था और वो भी माफी मांगता हुआ पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। मैं बाहर निकल आया था उस घने जंगल से और वो आदमी, राजन का पिता, निराश सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। बना काम या नहीं बना, शायद ये बहुत शक्तिशाली है ना? मैंने कहा, काम बन गया और अब आपके बेटे को बचाने का समय है, चलो अब हमें वहीं जाना है जहां से शुरुआत की थी। जेब में पीपल के पत्ते डाले हुए मैं उस किले की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही उस किले की बेसमेंट के पास गया, उसके दोस्त और राजन के पिता ऊपर ही खड़े हो गए और मैं चलकर नीचे पहुंचा। नीचे पहुंचते ही हंसने की आवाजें फिर से आ गए। क्या सोचकर आए हो, तुम आसानी से मुझसे जीत सकते हो, सीताराम, सीताराम। और मैं जानता था उसे कैसे रोकना है, इसलिए हंसी मेरी भी निकली थी। वेताल, वेताल हो ना तुम, जो जिन बन कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। उसकी हंसी की आवाज इस जवाब के बाद नहीं निकली, बल्कि गुस्से भरी आवाज निकली। अच्छा, तो जाकर आए हो वहां पर, लेकिन ऐसा कौन सा बेवकूफ था जिसने सच बता दिया?
हम कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं, मजबूर नहीं होते, डरते नहीं किसी से, तो कौन सा धोखेबाज है जिसने धोखा दिया और सच बता दिया। मैंने कहा, धोखेबाज नहीं, डरपोक वेताल, तुम डरपोक हो, बस आसानी से काबू में आ गए। लेकिन उसने भी सामने से जवाब दिया था, डरपोक नहीं होते हैं वेताल, हजारों लाखों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, डरपोक नहीं हैं हम, और तुम जैसे तुच्छ इंसान क्या बिगाड़ सकते हैं। बड़ी शक्ति होनी चाहिए तब रोक सकते हो, छोटी मोटी शक्तियों से काबू नहीं पा सकते। डरपोक होगा वो, डरपोक और बुजदिल या कायर। मैंने कहा, डरपोक नहीं वो, शक्ति ही ऐसी है मेरे हाथ में, हनुमान जी की ऐसी चमत्कारी तलवार जो मेरे काम आ रही है। वो कुछ समय के लिए सन्न था और उसने राजन को पीछे से जकड़ रखा था, उसके सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे, और अब मैं जानता था पीपल के पत्तों को कहां पर छूना है। मैंने जैसे ही पीपल के पत्तों को छूने की कोशिश की, जैसे राजन के शरीर से वो आत्मा निकली और उस दरवाजे के पार, उसी के साथ वो वेताल भी उस दरवाजे के पास खड़ा होकर अपने पूरे आकार में मेरी तरफ देखता हुआ कहने लगा, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, आ जाओ मुकाबला करो दूसरी दुनिया में, यह दरवाजा उस दुनिया का द्वार है, मैं जा रहा हूँ वहाँ, हिम्मत है तो आ जाओ करो मुकाबला, देखता हूँ तुम्हारे भगवान में कितनी शक्ति है जिसका तुम नाम ले रहे हो, आ जाओ दूसरी दुनिया में करते हैं मुकाबला। ये कहते ही वो दरवाजे के पार चला गया था, और वो शिथिल शरीर राजन का, दिल की धड़कन बहुत कम थी, आत्मा को खींच कर ले गया था उस दुनिया में ये वेताल। मैं भी सीधा दरवाजे के पार उसे बचाने के लिए, ये दूसरी अंधेरी दुनिया थी, यहां बादल घिरे हुए थे, रोशनी उन बादलों को चीर कर यहां पहुंच तो रही थी लेकिन नीले रंग की, और जमीन से लाल सी रोशनी जैसे लावे से निकलती है, ये दो रोशनियों का संगम था ये दुनिया। अजीब सी थी, काले रंग की मिट्टी और गले सड़े से पेड़, दूर दूर तक पहाड़ नजर आ रहे थे, और उन पहाड़ों पर अजीब अजीब सी चीजें, हिलते हुए कपड़े जैसा कुछ था जो हवा में उड़ रहा था, ये हवा के कारण भी हो सकता है या ये जिंदा जीव भी हो सकते हैं। एक पेड़ के पास खड़ा वो वेताल मेरी तरफ देख रहा था, वो हंस रहा था, और मैं भागता हुआ उसके करीब गया। मेरे हाथ में वो घंटी थी और मैं घंटी को बजाना शुरू हो गया, लेकिन दो बार घंटी को चला पाया वो घंटी से आवाज़ निकलना बंद हो गई। मैं हैरान और परेशान हो गया था, घंटी से आवाज़ नहीं निकल रही थी, घंटी बीच से टकरा रही थी लेकिन आवाज़ नहीं, ध्वनि नहीं। तब वो वेताल कहने लगा, ये अंधेरी दुनिया है, यहाँ घंटियाँ काम नहीं करती, ये मनुष्य की दुनिया नहीं है, ये हम हैवानों की दुनिया है। मैंने हर कोशिश कर ली वो घंटी बजाने की, लेकिन घंटी से आवाज़ ना निकली, तो मैंने घंटी जेब में डाल ली। अब दूसरा रास्ता था मुंह से हनुमान चालीसा पढ़ना, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हनुमान चालीसा के वो शब्द गलत बोले जा रहे थे, मैं मंत्रों को सही से बोल नहीं पा रहा था, मेरी जबान हर बार हिल जाती, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आपको जो पता है वो शब्द आप मुंह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो पा रहा था, आप मर्जी से वैसे शब्दों को भी बोल नहीं सकते थे। फिर से वो हंसा था और कहने लगा था, ये हैवानों की दुनिया है, यहाँ भगवानों का क्या काम। अब मैं जानता था मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, मंत्रों से भी इसे रोका नहीं जा सकता, और मंत्रों के उच्चारण के बाद चारों तरफ बढ़ रही वो भीड़,
वो मुर्दे से जमीन फाड़ कर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। वो हवा में उड़ते कपड़े नहीं थे बल्कि चुड़ैलों जैसे कुछ थे जो हवा में लहरा कर इस तरफ आ रहे थे। मुझे जल्दी से जल्दी करना था कुछ और मैंने देखा वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ राजन, ये उसकी आत्मा थी जिसे इसने जकड़ रखा था और छोड़ नहीं रहा था। अगर उसकी आत्मा को आज़ाद करवा पाया तभी वो वापस पहुंच पाएगी, लेकिन इससे लड़ूं कैसे? अब आकार में आ गया है तो मरेगा मेरे हाथों। मैंने वो तलवार निकाल ली थी और उसकी चमक यहाँ बिखर रही थी। अब उस तलवार की चमक से चारों तरफ बढ़ रहे वो शैतान थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे थे। ये चमक उनसे देखी नहीं जा रही थी। ये वो अच्छाई की शक्ति थी जो वो सहन नहीं कर सकते थे और इस तलवार की एक धार से मैं काट देना चाहता था उस वेताल को। लेकिन जैसे ही मैंने ये तलवार उसकी गर्दन पर चलाई उसका सर धड़ से अलग हो गया और नीचे गिर गया। मैं अब राजन को छुड़ाकर बाहर ले जाना चाहता था ताकि वो भीड़ मुझे पकड़ ना ले। जैसे ही मैंने राजन की कलाई पकड़नी चाही वेताल के धड़ ने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे पीछे फेंक दिया। सिर्फ धड़ था उसका, सर नीचे पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? उसने अपना सर हाथ से उठाया और दोबारा ऊपर लगा लिया और हंस कर कहने लगा वेताल तो पहले से मरे हुए होते हैं, तलवार जिंदा को मार सकती है मरे हुए को नहीं। मैंने कई बार उस तलवार को चलाया था, उस पर उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, लेकिन हर बार वो जुड़ता गया और मैं समझ नहीं पा रहा था अब क्या करूं। मैं वो पीपल के पत्तों को हाथ में पकड़कर अब उसे उसमें कैद करना चाहता था। यही रास्ता है राजन को बचाने का। लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, पीछे वो दरवाज़ा घेर लिया था उन्होंने और मैं वो तलवार से उन्हें मार रहा। वो पहले से मरे हुए थे, अब मैं जान पाया था ये तलवार भी शक्ति में सीमित है, जिंदा को मार सकती है। वो काली शक्ति जो जिंदा हो जाए मैं इस तलवार से उसे मार सकता था, मरे हुए को और मारा नहीं जा सकता। क्या करूं? उन्होंने मेरी कलाई पकड़ना शुरू कर दी थी, मेरे हाथ में वो तलवार छीनी जा रही थी, वो पीपल के पत्ते। मैं झटके से उन्हें दूर फेंक रहा था, तलवार में शक्ति तो थी, लेकिन मैंने जैसे ही तलवार घुमाई वो भीड़ दूर दूर बिखर गई। सामने से हंसता हुआ वो वेताल, अब कुछ नहीं कर सकते मेरी कलाई किसी बड़े हाथ ने पकड़ी थी। मेरी कलाई को पकड़ते ही उसने एक तरफ घसीट दिया था और मेरी तलवार चल तक ना पा रही थी। कोई था जो बहुत शक्तिशाली था, उसके बड़े बड़े लाल रंग के सींग जिस पर आग निकल रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। ये शक्ति महान थी जिसे मैं महसूस कर पा रहा था। उसका कद 20 फुट तक होगा, ये एक शैतान था। वो वेताल के सामने खड़ा हो गया और उसने भारी आवाज में कहा था, तुम्हें मैं यहीं पर कैद कर लूंगा, तुम्हारी शक्ति अब मेरी होगी, तुम जो भी हो भगवान भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं ना सिर्फ तुम्हें गुलाम बनाऊंगा, तुम्हारी शक्ति जहां से आ रही है मैं उसे भी गुलाम बना लूंगा। तुम्हारी सारी शक्ति चूसने का समय आ चुका है। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था, उसका आकार विशाल हो गया था। वो इतना बड़ा था कि उसकी एक उंगली मेरी बाजू के बराबर थी और उसकी उंगली से निकली हुई एक और बाजू जिसके हाथ ने मेरी कलाई को जकड़ रखा था। वो आकार बड़ा कर रहा था, ये महान शक्ति थी और मैं हार गया था। उसके बाद उसने वो छोटा सा हाथ मेरी कलाई से निकाला और मेरे माथे पर रख दिया और कहा, समय आ गया है, दो मुझे ये शक्ति,
ये शक्ति मुझ में समा जाएगी। मैं महसूस करने लगा मेरे अंदर की शक्ति निकलना शुरू हो गई। मुझे दृश्य दिखने लगे थे अपने बचपन के, अपनी जवानी के, अपने पूरे जीवन के। वो सब कुछ चूस रहा था। मेरे जीवन की हर घटना, मेरी याद, मेरी शक्ति। और जैसे ही मुझे दृश्य दिखने शुरू हुए मेरे उस मंदिर के, जहां पर मैं पूजा करता हूं और जहां से सब कुछ लेकर आया हूं, वो अजीब सी सफ़ेद रंग की रोशनी जो मेरे माथे से निकली थी, मैं बयान नहीं कर सकता वो रोशनी कितनी विशाल थी। वो बम के धमाके थे जो मेरे माथे से निकल रहे थे, और मैं गर्जना भरी आवाज़ जो गले से छोड़ पा रहा था, वो काली दुनिया भूकंप ला रही थी। वहाँ दरारें उस ज़मीन पर पड़ रही थी, और ज़मीन पर पड़ रही वो दरारें उन लाशों को समा रही थी। वो वेताल उस पेड़ को पकड़े हुए, हर जगह दरार आ गई थी और लावा ही लावा था जिसमें वो सब शैतान समा रहे थे। लेकिन वो महान शैतान इतने बड़े आकार का था, वो भी घबरा रहा था किसी से। था कुछ जो मेरे शरीर से निकल रहा था उसे भी डरा रहा था। वो जो भगवान से ना डरने का दावा कर रहा था, उसकी आंखों में वो खौफ देखा था मैंने। और मेरे सर से निकलते हुए वो धमाके इतने विशाल, उनसे निकलने वाली आग ने उस शैतान का आकार छोटा कर दिया था। उसने मेरे माथे पर जो हाथ रखा हुआ था वो छोड़ नहीं पा रहा था, चिपक गया था मेरे माथे से वो हाथ। मुझे मंदिर के दृश्य दिखते गए, और एक आकृति सामने से, सूरज दिख रहा था मुझे। सूरज के कारण आंखों में अंधेरा सा पड़ रहा था, जैसे और कुछ मैं देख ना पा रहा हूं। सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है ना, जब आप सूरज की तरफ देखते हैं आपको कुछ और नजर नहीं आता। सामने एक पहाड़ी दिख रही थी मुझे। उस पहाड़ी पर कोई खड़ा था जिसकी सिर्फ काले रंग की परछाई सी दिख रही थी, क्योंकि रोशनी सामने से पड़ रही थी। मैं देख पा रहा था वो शरीर था किसी का, वो शरीर था हनुमान जी का। वो हवा में लहराती हुई पूंछ दिखी थी मुझे। मैं देख पा रहा था उस शक्ति को मुझसे जुड़ते हुए, और मुझसे निकलती हुई वो शक्ति उसे शैतान को पिघला रही थी। उसी की दुनिया में, ये शैतान की दुनिया थी जहां वो लावे की तरह पिघल कर उन दरारों में समा गया, और उन दरारों से आवाज आ रही थी, मुझे मारा नहीं जा सकता, मैं दोबारा जरूर आऊंगा, मुझे मारा नहीं जा सकता। लावे की तरह पिघल गया था वो, और वो वेताल घबरा रहा था। खौफ देखा था मैंने उसकी आंखों में। और वहां जमीन पर पड़े वो पीपल के पत्ते, जिसे खुद ब खुद छूकर वो कह रहा था, मुझे गुलाम बना लो, मुझे गुलाम बना लो, ले चलो जहां ले जाना चाहते हो, ले चलो जहां ले जाना चाहते हो। उसकी आंखों में वो खौफ था, वो डर रहा था उसी शक्ति से। लेकिन मैंने जैसे ही राजन को पकड़कर उस दरवाजे के पार किया, मेरी टांग पकड़ ली थी उस लावे से निकले हुए हाथ ने, वो शैतान फिर से जिंदा हो रहा था, और वो वेताल भी उस दरवाजे के पार चला गया। लेकिन वो शैतान उस जमीन को फाड़ कर मुझे दोबारा मारने के लिए आ रहा था। उस समय फिर से मैंने उस हाथ पर हाथ रखा, और वो धमाके जो उसे पिघलाने लगे, एक और दृश्य दिखा था मुझे। मुझे हनुमान जी के जैसे साक्षात दर्शन हुए थे। अंतरिक्ष में कहीं अंधेरा ही अंधेरा, हवा में लहराते धूमकेतु, और वहां ध्यान मुद्रा में बैठे वो, और उनके मुख से निकल रहे वो शब्द, और मेरी आंखों में आ रहा वो अंधेरा,
वो शैतान मुझे खींच रहा था और वो महान शक्ति मुझे बचाने में लगी थी और एक ही नाम बार बार मुझे सुनाई दे रहा था, हनुमान जी के मुख से निकल रहा वो नाम, राम राम राम। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस दरवाजे के पार उस किले की बेसमेंट में उसी पत्थर पर लेटा हुआ और मुझे उठा रहा था राजन, जिसके पीठ के पीछे खड़ा वो वेताल, जिसे देखते ही मैं घबरा कर उठ गया और उसकी तरफ उंगली की, रुको। मुझे अभी सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा इस तरह गिड़गिड़ा रहा था जैसे उसने भी वो महान एहसास कर लिया हो। और मैं अब सबसे पहले उस बेसमेंट से बाहर निकला था और राजन का पिता नजरें झुकाए, आप फिर से खाली हाथ आए, क्या मेरे बेटे को बचाया नहीं जा सकता? और पीछे से निकल कर आता राजन, वो अपने पिता को गले से लगा चुका था और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बच गया था और पीपल के पत्ते मेरे हाथ में थे, उसी में कैद वो वेताल जिसके भविष्य का चुनाव मैं करने वाला था। उसे मौत मिलेगी या जिंदगी, ये चुनाव मैं करता। मैंने अब आज़ाद करवा दिया था राजन को और वो वेताल मेरा गुलाम बनने को तैयार था। उसने कहा था, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मैं आपसे ज्ञान चाहता हूँ। वो शक्ति जो मैंने महसूस की थी उसका जुड़ाव आपके साथ है, कोई ना कोई रिश्ता तो है उस शक्ति का आपसे, ढूंढना होगा आपको, उन सवालों का जवाब ढूंढना होगा और उस कड़ी में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं फिर से आ गया था उसी भूतिया गांव में जहाँ मैंने एक पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया था उस वेताल को। वो आज़ाद होना नहीं चाहता था, मेरा साथ चाहता था। मैं अब भी उसी गांव में हूँ और उस मंदिर को बना रहा हूँ। वहाँ भूत प्रेत और वेताल भी रहते हैं और मैं सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कैसे है मेरा रिश्ता उस महाशक्ति से जो मुझे मुसीबत में भी बचा लाई, कैसे उस दूसरी दुनिया के शैतान को भी हरा डाला, क्या है भविष्य, मुझे क्यों बचाया जा रहा है?